हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर में ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसे हम कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। दोस्त, आप लोग मेरे नए चैनल को विजिट कीजिए जिसका नाम है सुमित राज 2.0। यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। सो एक बार जरूर से जरूर आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज डिसलाइक भी जरूर करना, लेकिन विजिट जरूर कीजिए और साथ ही साथ सपोर्ट भी करना मत भूलना। बात करते हैं मेन पॉइंट की। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और आपको ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन दिखेगा कहाँ और इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में योनो लाइट SBI ऐप को ओपन करना है। उसके बाद अकाउंट वाले यानी कि माय अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर देखिए आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और देखिए जैसे ही आप अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिख जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ई स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी पर क्लिक कर देना है। तो एक ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर मंथली, और हो सकता है आपको एक और ऑप्शन दिखे क्वार्टरली। तो आप अगर क्वार्टरली चाहते हैं या फिर मंथली, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं और भी दे देता हूँ आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चार पॉइंट नोट किए गए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट में स्टेटमेंट विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विथ बैंक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक अकाउंट से जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसी ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा, यानी कि भेजा जाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहां पर ये भी देख लीजिए, ई स्टेटमेंट विल बी सेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बेस्ड ऑन सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज मंथली फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट ई स्टेटमेंट विल बी सेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो फ्रीक्वेंसी अभी सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मंथली सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आज का जो डेट है 2 तारीख, ओके, तो अगले महीने के 2 तारीख को, यानी कि हर एक महीने 2 तारीख को मुझे मेरा जो ये डेटा है यानी कि स्टेटमेंट है वो मेरे ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा, वो आपके फ्रीक्वेंसी के अनुसार भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा। अगर आज का डेट 1 तारीख होता तो अगले महीने के हर एक 1 तारीख को आपके ईमेल अकाउंट पर स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट विल नॉट बी जनरेटेड इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन परफॉर्मड ड्यूरिंग द सेलेक्टेड साइकिल। मतलब कि आपने जो साइकिल सेलेक्ट किया है, जो आप टाइम सेलेक्ट करोगे, तो उस टाइम के अंदर अगर किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं आप करते हो तो फिर आपका ई स्टेटमेंट जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि अगर हम करेंगे ही नहीं ट्रांजेक्शन तो भाई स्टेटमेंट कहाँ से जनरेट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर विल रिसीव द ई स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्वाइंट खाता का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ही खाता में दो बंदे का नाम है, तो आप वहां पर जो प्राइमरी अकाउंट है सिर्फ उन्हीं को ई स्टेटमेंट मिलेगा और जो दूसरा ज्वाइंट है उसमें पर्सन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां पर चेक कर लेना पूरा डिटेल। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहां पर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहां पर आपको डाल करके और सबमिट पर क्लिक कर देना। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओटीपी डाल दिया, अब सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देखिए यहाँ पर आ चुका है पॉपअप मैसेज, योर रिक्वेस्ट फॉर ई स्टेटमेंट इज रिसीव्ड एंड इट विल बी सेंड टू itna.com एज पर द चूजन फ्रीक्वेंसी। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा कि अब आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे आज से, ठीक है, तो हर अगले महीने
आपको 2 तारीख को आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट पर चला जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट जीमेल अकाउंट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपने 1 महीने में कहाँ कहाँ पर किस जगह पर ट्रांजेक्शन किया है और कितने का किया है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना वो काफी इंटरेस्टिंग था और साथ ही बहुत ही हेल्पफुल भी, इसलिए आप लोगों को इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।